हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है वो हम लोग कक्षा 12वीं का एक चैप्टर है डीप वाटर, ठीक है। और इसके राइटर जो हैं वो हैं विलियम डगलस, जैसे कि आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं। तो ये डीप वाटर जो है, डीप वाटर का मतलब क्या होता है? डीप का मतलब क्या होता है? गहरा। तो गहरा पानी। तो यहाँ पर जो है, जो ऑथर है विलियम डगलस, उसने अपने खुद के एक्सपीरियंस को बताया है इस लेसन में कि उसको जो है वो गहरे पानी से कितना डर लगता था और उसने उस डर को जो है वो किस प्रकार से ओवरकम किया, मतलब उस फियर से, उस डर से जो है वो कैसे बाहर निकले। और यही प्रश्न जो है वो आपके परीक्षा में भी पूछा जाता है कि विलियम डगलस जो है वो डर से किस प्रकार से बाहर निकले, ऐसे करके, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं अपील करता हूं कि अंत तक जो है वो वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे भी आपको नया नया जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा। और लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो भी आप सभी लोग भी देख रहे होंगे, कुछ कुछ लाइफस्टाइल से संबंधित वीडियो भी मैं डाल रहा हूँ, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक स्टोरी के जैसे ही है, ऑटोबायोग्राफी के जैसे हम कह सकते हैं कि विलियम डगलस जो है वो पानी से बहुत डरते थे, और उसका रीजन ये था कि एक बार जो है वो जब कैलिफोर्निया के तट पर, कैलिफोर्निया बीच पर जो है, जब अपने फादर के साथ वो एक बार जब गए थे, तो वहां पर जो समुद्र से जो लहरें आई तो वो उनसे दब गए थे। तब से उनके मन में जो है वो पानी से डर पैदा हो गया। तो बहुत दिनों तक तो उन्होंने देखा कि अरे मेरे को पानी से डर लगता है। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे अपने इस डर को क्या करना है, दूर करना। और हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी चीज जिससे आप डरते हो उसी काम को आप करो, तो वो डर जो है वो आपके मन से हमेशा निकल जाएगा, ठीक है। तो वहां पर जो है वो फिर सोचते हैं कि मुझे तैराकी सीखना चाहिए। तो उनके शहर में एक स्विमिंग पूल रहता है, YMCA स्विमिंग पूल है वो उसका नाम। तो वहां पर जो है वो तैराकी सीखने जाते हैं। स्विमिंग पूल नॉर्मली क्या होता है कि एक तरफ जो है वो उसकी गहराई कम रहती है, 2 से 3 फीट रहती है, और दूसरी तरफ उसकी गहराई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो वहां पर उस गहराई जो है वो 2-3 फुट से लेकर के उस स्विमिंग पूल की गहराई लगभग 12 फुट तक रहती है एक साइड में, है ना। तो वहां पर जाते हैं स्विमिंग करने के लिए, और एक दिन जो है वो उनका इंस्ट्रक्टर वहां पर नहीं रहता है, तो वो गहरे वाला जो साइड है वहां पर वो खड़े रहते हैं, और एक अचानक से वहां पर एक हट्टा कट्टा सा लड़का आता है और ऐसे ही मजाक करते हुए उसको क्या करता है, हाई स्किनी, स्किनी का मतलब होता है पतला दुबला जो होता है ना, उसको जो है वो स्किनी बोलते हैं। स्किन मतलब चमड़ी, तो हाई स्किनी है ना, ऐसा कहते हुए वो उसको वहां पर स्विमिंग पूल में धक्का दे देते हैं। और जो ऑथर है, मतलब कि विलियम डगलस जो है वो वहां पर डूबने लगता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है जब वो डूबते रहता है तो कि उस वो अपना सेंस को नहीं खोता है, मतलब उसका माइंड जो है वो उसके कंट्रोल में रहता है। तो वो डूबते डूबते ये सोचता है कि जब भी मैं नीचे जाऊंगा और जैसे ही बॉटम को मेरा पैर छुएगा, वैसे ही जो है वो मैं उसको जोर से धक्का दूंगा और ऊपर आ जाऊंगा, ऐसे करके, है ना। तो वो जो है वो फिर डूबने तो लगते हैं, लेकिन ही डज नॉट लॉस्ट हिज सेंसेस, ठीक है। वो उनका नियंत्रण जो है वो उसके मस्तिष्क में रहता है, मतलब अपने मस्तिष्क के ऊपर उनका नियंत्रण
रहता है। तो फिर वो जो है जब जैसे जैसे लेकिन नीचे पहुंचते हैं उनका डर जो है वो और ज्यादा होते जाता है, ठीक है। तब भी नीचे पहुंचते हैं, जैसे ही उनका पैर जो है वो तल को छूता है, स्विमिंग पूल के तल को छूता है, वैसे ही जो है वो एक उछाल मार करके वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद उनकी सांस फिर से फूलने लगती है और वो फिर नीचे चले जाते हैं। और जब वो नीचे जाते हैं तो लगभग एकदम मरणासन्न स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन वहां पर उनको ऐसा लगता है एक अजीब सी मतलब शांति महसूस होती है कि जैसे सब कुछ जो है वो धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, ऐसा करते है ना। लेकिन धीरे धीरे वो बेहोशी के हालत में पहुंच जाते हैं और उसके बाद जो है वो जब वो बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो लेटे हुए हैं और उनको वॉमिटिंग हो रही है, ठीक है। तो मतलब खास करके जब पानी कोई के अंदर कोई चला जाता है तो पानी पी लेते हैं लोग बात, तो उसको जो है उल्टी करवाई जाती है, वोमिट करवाया जाता है ना, तो उनको वॉमिटिंग होते रहती है। उसके बाद से पानी के प्रति डर जो है वो उनका और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, ठीक है। तो कई सालों तक ये चलता है। उसके बाद फिर से जो है वो एक बार स्विमिंग सीखने की कोशिश करते हैं, तो इस बार जो है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्टर रखते हैं। और वो इंस्ट्रक्टर क्या करता है कि जब उनको स्विमिंग सिखाता है तो उनके कमर में जो है एक बेल्ट फंसा देते हैं और उस बेल्ट में जो है वो एक चेन लगा के एक पुली के सहारे जो है वो उसको आगे बढ़ने के लिए बताते हैं कि कैसे आपको सामने पुशअप करना है, कैसे जो है वो आपके आपको पानी के अंदर सांस लेना है। अब आप लोग तो यहाँ पर गांव में रहते हैं तो मेरे ख्याल से सबको स्विमिंग आती होगी, आती है या नहीं आती? आती है ना। लेकिन अब शहर में ज्यादातर लोगों को स्विमिंग नहीं आती है, जो बच्चे हैं, क्योंकि अब हमको वो माहौल ही नहीं मिलता है कि हम नदी तालाब में कहीं नहाने जाएं, है ना। तो खैर, तो फिर जो है वो उनको धीरे धीरे पुशअप करना सिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पानी के नीचे जो है वो किस प्रकार से सांस लेना है, ऐसा करके। तो धीरे 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 करके इस प्रकार से उनका डर दूर हो जाता है और वो स्विमिंग फिर से सीख जाते हैं, ठीक है। तो आखिरी में जो है वो विलियम डगलस कहते हैं कि हमें किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए। और आखिरी में एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, यदि आपको डरना है तो किससे डरो? अपने डर से डरो, अपने डर से डरो। मतलब जो भी आपका डर है कि अब मुझे डरना नहीं है, किसी चीज से नहीं डरना है, अपने डर से मुकाबला करो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप जो है वो कोई भी डर को, कोई भी फियर को अपने माइंड से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर है, कुछ कुछ जो क्वेश्चन आंसर है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हाउ द ऑथर ओवरकम हिज फियर, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which is frequently asked in your final examination. और भी question है, सारे 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 के सारे जो question answers है वो आप मेरे blog में भी चंद्रा स्टडी रूम में वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ जो है वो इसको मैं description में भी question answer दे दूंगा और आपकी जो भी समस्या आती है उसको आप मेरे comments में लिख करके जरूर बताइएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। ओके, गुड बाय।